नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण के बाद योगी सरकार ने कामकाज संभाल लिया है। नए उत्तर प्रदेश बनाने के प्रण के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही शपथ ली और मंत्रियों के साथ मंत्रणा भी शुरू कर दी। मंत्रिपरिषद और अधिकारियों के साथ आज फिर बैठकों का दौर चलेगा। वहीं जानकारी के मुताबिक 2-3 दिनों में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया जाएगा। वहीं आज होने वाली बैठक में सीएम योगी मंत्रियों के सामने रोडमैप पेश करेंगे, जिस पर अगले 5 साल योगी राज को चलाया जाएगा। जबकि कल रात हुई मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में जान पहचान और परिचय का सेशन चला। कल रात हुई बैठक में योगी सरकार के सभी मंत्री शामिल हुए। सहयोगियों की तरफ से संजय निषाद भी थे। बैठक के बाद संजय निषाद ने कहा कि मेरे जैसा नेता इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बता दें, सीएम योगी ने आज 10 बजे मंत्रिपरिषद के साथ बैठक की। उसके बाद 11:30 बजे आईएएस अफसरों के साथ बैठक करेंगे। वहीं 2-3 दिनों में मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा कर दिया जाएगा। योगीराज पार्ट 2 में क्षेत्रीय संतुलन को काफी हद तक साधा गया है। सबसे ज्यादा तवज्जो पश्चिमी यूपी को मिली है। वहीं पिछली बार के मुकाबले यूपी के चारों हिस्सों में मध्य को छोड़कर सभी हिस्सेदारी बढ़ा दी गई है। बता दें, लखनऊ सत्ता का केंद्र है, पर मंत्रियों के मामले में रुतबा काफी घटा है। जबकि आगरा, शाहजहांपुर और वाराणसी को 3-3 मंत्री मिले हैं। वहीं पश्चिमी यूपी भाजपा के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा था। चुनाव में भाजपा को यहां खासी मशक्कत करनी पड़ी, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिलकर आक्रामक प्रचार अभियान चलाया और पूरा मंजर ही बदल दिया। यहां से भाजपा ने अपनी मजबूती बनाए रखी। हालांकि सीटें पहले के मुकाबले कम हुई, लेकिन योगी ने पश्चिमी यूपी को 25 मंत्री दिए। वहीं पिछली बार मैनपुरी से मंत्री बनाए गए रामनरेश अग्निहोत्री को इस बार पद नहीं मिला। अगर बात पूर्वांचल की करें तो 18 मंत्री पूर्वांचल को मिले हैं। प्रयागराज से आने वाले केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री के तौर पर यहां बरकरार हैं। वहीं इस बार बुंदेलखंड से 3 विधायकों को मंत्री बनने का मौका मिला है। मध्य यूपी का प्रतिनिधित्व मंत्रिपरिषद में काफी कम हुआ है। अब इस क्षेत्र को केवल 7 मंत्री मिले हैं, जबकि पिछली बार 9 मंत्री यहां से थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भले ही समाजवादी पार्टी को जीत ना मिली हो, लेकिन इस चुनाव में सपा के विधायकों की संख्या में जरूर इजाफा हुआ है और ये संख्या 100 के पार चली गई। बता दें, इस बार भी यूपी में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी बना है। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आजमगढ़ से सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने पार्टी के हित में पूरा ध्यान यूपी में केंद्रित करने के लिए करहल से विधायक बने रहना चुना है। बहरहाल, नतीजे आने के बाद से ही हर कोई जानने के लिए उत्सुक है कि यूपी की सत्ता पर फिर से काबिज हुई बीजेपी को सदन में घेरने के लिए समाजवादी पार्टी से कौन दिक्कत होगा। आज समाजवादी पार्टी अपने नेता प्रतिपक्ष की घोषणा कर सकती है। गौरतलब है कि शनिवार को लखनऊ के सपा दफ्तर में सुबह 12 बजे 9 निर्वाचित विधायकों की बैठक होनी है। इस दौरान पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की मौजूदगी में नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान किया जा सकता है। उम्मीद है कि इस बैठक के दौरान विधायक दल का नेता भी चुना जा सकता है। वहीं आगामी एमएलसी चुनाव के लिए भी बैठक में नई रणनीति पर विचार किया जा सकता है। तो देश में महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। बता दें, आज पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसे बढ़ गए, जिससे बाद राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 98 रुपये 61 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 89 रुपये 87 पैसे हो गई है। कल भी राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। वहीं 4 महीने से ज़्यादा के अंतराल के बाद मंगलवार को पहली बार इन कीमतों में बदलाव किया गया था, जिसके बाद पिछले 5 दिनों के अंदर 4थी बार ईंधन महंगा हुआ है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दावा किया है कि प्रदेश के पूर्व उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा उनके कार्यकाल में प्रदेश में 2 परियोजनाओं को क्लियर करने के लिए जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, उनकी जांच सीबीआई करेगी। वहीं मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में खाली पड़े पदों को पूरा करने के लिए हाई पावर समिति का गठन भी किया गया है। प्रदेश के पूर्व उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच के लिए सीबीआई को लिखा गया है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले की जाँच सीबीआई से इसलिए करवाना चाहते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। पूर्व उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाए थे कि उनके कार्यकाल के दौरान प्रदेश में 2 परियोजनाओं को क्लियर करने के लिए उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी, जिससे उन्होंने ठुकरा दिया था।
योगी सरकार 2.0 की शपथ ग्रहण के बाद जनपद पीलीभीत से विधायक संजय सिंह गंगवार को राज्य मंत्री बनाने को लेकर विधायक के घर से लेकर जिले में अलग अलग जगहों पर आतिशबाजी और जश्न देखने को मिला। वहीं जश्न के माहौल में आतिशबाजी के साथ योगी मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। वहीं समर्थकों ने मिठाई बांटी, साथ ही संजय सिंह गंगवार को मंत्री बनाए जाने की शुभकामनाएं देने के साथ साथ पीलीभीत 40 सालों से राजनीति कर रही मेनका गांधी और वरुण गांधी को पीलीभीत से बाय बाय करते नजर आए। संजय समर्थकों ने कहा कि इस बार 2024 में जनता को स्थानीय सांसद चाहिए, जो इस बार जरूर होगा। उत्तर प्रदेश सरकार में अनिल राजभर को दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक झंडा बैनर के साथ मोदी, योगी और अमित शाह का जयकारा लगाते हुए नजर आए। अनिल राजभर को दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर बड़े भाई सरवन राजभर, भाभी आशा देवी, बड़े पिता खरपत्तू राजभर और परिजनों ने मोदी योगी को बधाई देते हुए एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाकर बधाइयां दी हैं। सकलडिया कस्बे में भाजपा के मिशन गीत पर अनिल राजभर के समर्थक नाचते गाते हुए अबीर गुलाल उड़ाकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए नजर आए। काल छात्र संघ से लेके राजनीति तक जनता की सेवा जुझारू चरित्र उनका था। जनता की सेवा में हमेशा समर्पित थे, जनता के सुख दुख में हमेशा लगे रहते थे। दूसरी बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए जी, वो भी खुशी है कि जितना काम उन्होंने किया है क्षेत्र के लिए, जनता के लिए, जनता के सुख दुख के लिए, फिर दोबारा उनको अवसर मिला है। सरकार के जो आदेश है उसके अनुसार वो काम करेंगे। राजभरों का नेता ओम प्रकाश राजभर अपने को मानते हैं जी, और तो क्या लगता है कि अनिल राजभर भी आपके समाज के लिए एक उभरते सितारे के रूप में? हाँ, अनिल राजभर तो हैया है। अब ओम प्रकाश राजभर की कोई बहलू तो है नहीं, मेढक की तरह कभी इसमें जाते हैं कभी उसमें जाते हैं, न उनका कोई सिद्धांत है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली। बुंदेलखंड क्षेत्र से राज्य मंत्री के रूप में महरौनी विधानसभा से मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी को राज्य मंत्री बनाया गया। जैसे ही इसकी खबर ललितपुर जनपद वासियों को हुई तो लोगों ने ढोल नगाड़ा और गुलाल के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जय श्री राम, भारत माता की जय के साथ अनेकों नारे लगाए। साथ ही लोगों ने पटाखे फोड़कर अपनी खुशी जाहिर की। वहीं मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी इससे पहले भी श्रम सेवायोजन राज्य मंत्री के रूप में पदभार संभाल चुके हैं। अब मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी को कौन सा विभाग मिलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम लोगों को इतना अपार उत्साह है कि सारे ललितपुर जिले के बाहर के हैं सभी लोग और हमारे सारे साथीगण इतने उत्साहित हैं कि हम लोग तवन सरकार पर शीश नवाने के लिए आए हैं। माननीय योगी जी का इतना आशीर्वाद रहा, माननीय मोदी जी का इतना आशीर्वाद रहा, हमारे 227 विधानसभा के जो मनोहर लाल पंत मन्नू कोरी जी पे के जनता का अपार आशीर्वाद मिला है। हमें इस उपलब्धि से बहुत अपने आप में प्रसन्न हैं कि माननीय योगी जी ने ललितपुर ने जो इतनी बड़ी जीत ललितपुर की जनता ने जो दी है उसके बदले में योगी जी ने पुनः मंत्रालय दिया है हमारे आदरणीय बाबू श्री मनोहर लाल जी पंत को। और बुंदेलखंड में हमारे ख्याल से यहाँ से बना तक एक ही मिनिस्टर हैं, इसके लिए योगी जी को पुनः पुनः बारम्बार हम लोग नमन करते हैं और निश्चित तौर पर जो काम पिछली बार अधूरे रह गए वो कार्य पूरे होंगे और बाबू और योगी जी का जो एक आत्मीयता है उसका बुंदेलखंड और ललितपुर जनपद को लाभ मिलेगा। जन अपेक्षाओं पे खरा उतरना, पूरी ईमानदारी से अपने क्षेत्र में रहना, जन भावनाओं को देखना, जन भावनाओं पे खरा उतरना, जनता के विश्वास पे खरा उतरना, यह यदि सीखना है किसी को तो माननीय मनोहर लाल जी पंत मन्नू कोरी जिन्हें हम प्यार से बाबू कहते हैं उनसे हमें सीखना पड़ेगा। विनम्र, सरल और सादगी की प्रतिमूर्ति, जिन्होंने जनता ने, मतदाताओं ने अपना ही रिकॉर्ड, पिछला रिकॉर्ड जो था उसको तोड़ा है। उनका परिश्रम था, जनता का प्यार था, मतदाता का मतदान था, जिसका परिणाम है कि आज पुनः माननीय योगी जी के मंत्रिमंडल में दूसरा द्वारा माननीय मनोहर लाल जी को मौका दिया गया है। सशस्त्र सीमा बल प्रशिक्षण केंद्र ग्वालदम में शुक्रवार को पासिंग आउट परेड में 9 महीने के कड़े प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षु से जवान बने 506
9 आरक्षियों ने देश की रक्षा की शपथ ली। बता दें यहां आयोजित पासिंग आउट परेड में सीआई जेबी और एसएसबी ग्वालदम के उप महानिरीक्षक अनिल कुमार शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं 9 आरक्षियों ने मार्च पास्ट के बाद खुद को देश के नाम समर्पित करते हुए देश रक्षा की शपथ ली। पासिंग आउट परेड के बाद एसएसबी का हिस्सा बने 9 आरक्षियों ने प्रशिक्षण के दौरान सीखे गए युद्धाभ्यास, जंगल युद्ध कला सहित सामूहिक व्यायाम, विभिन्न कलाओं का भी प्रदर्शन किया। ये 506 हमारे 9 आरक्षी थे और इनकी 9 महीने की ट्रेनिंग हुई है यहाँ पर, और अभी अपने अपने जो है वाहिनियों में जाएंगे और वहाँ पर जो है ड्यूटीज़ वगैरह देंगे। अब ये लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर काफ़ी सारी अपॉइंटमेंट्स हुई थी जिसमें एसएसबी को भी अलॉट हुए थे, 9000 के आसपास थे, और सभी जगह ऑल ओवर एसएसबी में ये अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स में ये ट्रेनिंग कर रहे हैं नव आरक्षी ऑल ओवर इंडिया से, और सभी का अलग अलग डेट्स में पासिंग आउट है। उसी क्रमबद्ध में हमें जो है 506 का मिला था और जिनका पासिंग आउट आज हुआ। महंत योगी आदित्यनाथ के दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की खुशियां पूरे प्रदेश में मनाई जा रही हैं। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, जगह जगह महोत्सव के जैसा माहौल है। वहीं सीएम योगी के गृह जनपद गोरखपुर में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जुम्मे यानी कि नमाज पढ़ने के बाद सड़कों पर खल उतर आए और ढोल नगाड़ों के साथ जमकर खुशियां मनाई। मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और सड़क पर उतरकर दुकानदारों को भी मिठाई खिलाई। सभी राहगीरों को भी मिठाइयां बांटते हुए दिखे। योगी के दोबारा शपथ लेने के उपलक्ष्य में खुशियां मना रहे लोगों का नेतृत्व कर रहे वकील अहमद खान ने कहा कि गोरखपुर में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है और योगी आदित्यनाथ जी ने सभी वर्गों के लोगों को लेकर चलते हैं। उन्होंने सभी के लिए कार्य किया है और दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। गोरखपुर में विकास कार्य होंगे, हम लोगों ने नमाज अदा करते समय उनके लिए सभी ने दुआएं भी मांगी है। मुस्लिम भाइयों के लिए भी कुछ उन्होंने बहुत कुछ किया है, आगे भी बहुत कुछ करेंगे, यही हम सब की उम्मीद है। सीएम जी की दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने की खुशी में हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा था और उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि गोरखपुर का हमारे विकास हो और साथ साथ उत्तर प्रदेश के इससे अधिक विकास हो। गोरखपुर हमारा नंबर एक सिटी में गिनती आ जाए, लोग बाहर से भी आए तो कहें कि हाँ हम गोरखपुर से आ रहे हैं। बस ये तरक्की हम लोग देखना। 5 साल थे वो मुख्यमंत्री, तो कितना विकास हुआ? बहुत विकास हुआ है, उसमें कोई कमी नहीं है विकास में। विकास योगी जी ने किया है और आगे भी उम्मीद करते हैं कि दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद वो विकास करेंगे गोरखपुर का। हर तरफ विकास हो रहा है, उसमें दो राय नहीं है। मुस्लिम कौम के लिए भी मैं योगी आदित्यनाथ जी से मैं करूँगा, दरखास्त करूँगा कि वो भी मुस्लिम कौम के लिए भी कुछ आगे करें। तो हम लोग का प्रोग्राम यही था कि प्रोग्राम में हम लोग जो हैं मिठाई बांटा गया, रेती अंगाखास के बीच में जुलूस निकाला गया, मिठाई बांटा गया। जो कुछ मोहल्ले के लड़के थे हमारे से साथी, सब साथ में थे और भी हम लोग। क्या उम्मीद करते हैं आप योगी जी से? दोबारा उम्मीद यही रखा जाए कि हम लोग की कौम के लिए भी कुछ सोचें और कुछ आगे हम लोग को भी करें। खुशी का दिन है कि फिर दोबारा मुख्यमंत्री हो रहे हैं और शहर का बहुत अच्छा विकास हुआ, शहर में कोई दंगा नहीं हो रहा, बहुत शांति से चल रहा है, हर चीज़ बहुत अच्छे से सरकार चल रही है, इसमें सभी वर्ग के लोग बहुत खुश हैं। तो आज आप लोगों ने क्या? आज हम लोगों ने बहुत खुशी मना रहे हैं कि आज हमारे फिर हमारे गोरखपुर के मुख्यमंत्री बन रहे हैं दोबारा। आज हम लोगों को बहुत खुशी है, घरों में बहुत खुशियाँ चल रही है। आज हम नखास रहती हर तरफ जुलूस निकल रहे हैं। बांदा के केशहर कोतवाली क्षेत्र के मवई बुजुर्ग गांव में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलटने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि ट्रैक्टर पलटने के बाद घटनास्थल पर मौजूद लोग आनन फानन में युवक को जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर लेकर गए, जहां देखते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें युवक जसपुरा थाना क्षेत्र के जसपुरा इलाके का रहने वाला था। नाम का करीब 25 साल के व्यक्ति ग्रामीण अवस्था में लाया गया है। ये आयरन डेरा थाना जसपुरा बांदा का रहने वाला है और ये मृत अवस्था में हमारे लाया गया है। बाली को पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम के बाद इसका मृत्यु का कारण पता चलेगा। संभवतः ये एक्सीडेंट का केस। अच्छा, परिजन कुछ बता रहे थे, कुछ जानकारी को दिया? एक्सीडेंट से इसकी मौत होना बताया। चलाता रहा इधर मवई में, मवई में। हाँ, लल्लू पर धान की। क्या, कौन सी गाड़ी? ये महिंद्रा थी। अच्छा, तो
अभी, अभी जो घटना हुई है वो किस चीज़ से हुई है? ये वही ट्रैक्टर से हुआ है। ट्रैक्टर से? ट्रैक्टर चला रहा था? ट्रैक्टर चला रहा था। किसका ट्रैक्टर चलाता था? लल्लू प्रधान का। लल्लू प्रधान प्रवासी में प्रधान रहे। अच्छा, अगली इसमें नहीं है? अब नहीं। अच्छा, पूर्व प्रधान थे वो? हाँ। तो उसमें ये इनका ट्रैक्टर चलाता था? हाँ, ट्रैक्टर चलाता रहा है, 4-5 महीने हो गए। कहाँ के प्रधान थे? ये मवई में, मवई के प्रधान। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।